सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रोचक फैक्ट्स के माध्यम से आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। जानिए मोर मोरनी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हम सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के अलावा म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। साइंस की भाषा में मोर को पाओ क्रिस्टिटस कहा जाता है, वहीं अंग्रेजी में इसे पीफाउल और पीकॉक कहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं मोर मोरनी से जुड़े इंटरेस्टिंग बात। अब हम आपको बताएंगे इसलिए बनाया गया राष्ट्र पक्षी। खूबसूरत रंग बिरंगे पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले यह भारत में ही पाया जाता था। राष्ट्रीय पक्षी के लिए पहले सारस, हंस, ब्रह्मिणी काइट के नामों पर भी विचार किया गया था, लेकिन मोर को ही चुना गया। इसके पीछे कई वजहें मानी जाती हैं। नेशनल बर्ड सिलेक्शन के लिए 1960 में तमिलनाडु राज्य के उदाक मंडलम में एक मीटिंग की हुई थी। मीटिंग की गाइडलाइंस के अनुसार देश के हर हिस्से में पाए जाने वाले पक्षी को नेशनल बर्ड के लिए चुनना जरूरी था। इसके अलावा आम आदमी उस पक्षी को जानता भी हो और वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो, इन सब बातों पर मोर ही खरा उतरा। कुछ दिनों के बाद 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। हिंदू धर्म में भी माने मोर श्रेष्ठता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर पंख को मुकुट और सिंहासनों पर लगाया जाता था। मोर पंख में स्याही भरकर लिखने वाले कवियों ने इसकी महत्ता को बताया है। मोर हिंदू धर्म में खास तौर पर मान्य है। भगवान कृष्ण मोर पंख को माथे पर धारण करते थे। इसके अलावा शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।